तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ एक प्रिंटर का, एक साल बाद यूज़ करने के बाद मैं रिव्यू लेकर आया हूँ, जो कि मैंने पहले वीडियो बनाया है। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है उस वीडियो पर। और आज है 14 फरवरी, आप सभी को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। और इसके साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इस वीडियो को, शॉर्ट में है। कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट लिस्ट की है कि इस प्रिंटर में क्या चीज़ें मेरे साथ में हुई, साल भर में मैंने क्या चीज़ें की वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जो प्रिंटर है वो यहाँ पे है, और इसका जो मॉडल नंबर है आपको बताऊँ, लेजर जेट HP का है ये, M1136, जो कि आपको मैंने पहले वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू करके बताया। लेकिन उसमें खास चीज़ें जो जो मेरे साथ में मैंने फील की वो आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूँ कि मल्टी फंक्शन है, इसके अंदर फोटोकॉपी है, स्कैन है, इसके बाद प्रिंटिंग है। और प्रिंटिंग में भी बोथ साइड वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सपोर्ट करता है, बोथ साइड प्रिंटिंग वाला। अगर बात करें तो इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट ही है, इसमें कलर प्रिंट आपको नहीं मिलने वाली है। और इसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इस कीमत के अंदर लगभग मैंने जितने भी लेज़र जेट या लेज़र प्रिंटर ट्राई किए वो इस कीमत के अंदर अच्छी सर्विस देने वाले सिर्फ HP में मेरे को देखने को मिले। और बिजनेस पर्पज़ अगर आपका स्टार्टिंग कोई शॉर्ट छोटा बिजनेस है तो आप इसे खरीद के यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू किया था तो मेरा जो काम था वो जैसे ऑनलाइन काम था, उसके लिए मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट बनाया था, और उसके लिए जो बिल प्रिंट करने थे उसके लिए मैंने इसको खरीदा था। एक्चुअल में वो बिज़नेस मैंने ऑलरेडी अभी बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें क्या चीज़ें हुई क्या नहीं चीज़ें हुई, ऑनलाइन बिजनेस में क्या दिक्कतें होती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आई बटन में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन खासकर इस प्रिंटर में मुझे अच्छी चीज़ें ये लगी कि इसके अंदर 250 रुपये की कीमत में इसका रिफिल हो जाता है। और ये आप मान लो इसकी अगर पर पेज कीमत की बात कर ले तो 2 रुपये में आपका प्रिंटिंग आपको मिल जाता है। बड़े मशीन में आपको और सस्ता पड़ सकता है, लेकिन इस मशीन के अंदर आपको 2 रुपया का कॉस्टिंग ज़रूर आएगा। और एक साथ आप 100 कॉपी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें सिस्टम ये भी है कि आप बैच वाइज भी इसका प्रिंटिंग आप दे सकते हो। इसके बाद इसमें वाईफाई नहीं है, इसके ऊपर वाले मॉडल में आपको वाईफाई मिलेगा। और एक मॉडल और है जो कि 11005 करके है शायद, वो मॉडल भी इसके कंपैरिजन में बराबर बीट करता है। लेकिन दोनों में से कोई भी आप खरीदो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। दोनों की रेटों में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि वो प्रिंटर थोड़ा सा महंगा आता है, 17-18 हज़ार के आसपास आता है, और ये 13.5 से 14-15 हज़ार के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केट में भी आप चाहे तो अगर इससे कम रेट में मिल रहा है तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो इसमें मैं बता दूं कि इसकी ये जो यहाँ पर डिस्प्ले है वो LED डिस्प्ले है, और बटन मैनुअल दे रखे हैं यहाँ पर, और कॉपी का बटन है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस है, जैसे कि प्रिंट करते समय आपको कोई दिक्कत होती है तो या कैंसिल का है, और ये सारी चीज़ें। इसकी जो कार्ट्रेज है वो आसानी से मैंने इंस्टॉल कर दी थी, और मैंने घर पे ही किया था इसको। कार्ट्रेज में भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आते हैं, कार्ट्रेज भी रिफिल हो जाती है, अच्छी है। और इसको कैरी और यूज़ करना काफ़ी सिंपल है मेरे हिसाब से। इसमें मैंने बहुत सारी कॉपियाँ निकाली, जो मुझे इसके जो कोई भी पेपर जाम की शिकायत भी बहुत कम मिलती है। हालांकि मैंने वो दूसरा प्रिंटर भी यूज़ किया है HP का, उसमें पेपर जाम की शिकायत आपको देखने को मिलेगी कुछ समय के बाद में। ये 1500 पेज यानी कि 1500 पेजेस की कॉपी निकाल सकता है एक बार की रिफिल के बाद में। पर पेज की कॉस्टिंग 2 रुपये के आसपास ही मिलने वाली है, और पर मिनट में ये 18 पेज प्रिंट कर देता है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी है। पेज साइज़ के अंदर सारे A4, A5, B5, C5, C6, DL और पोस्ट कार्ड साइज़ यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जनरली A4 और लीगल पेपर यहाँ पर यूज़ होता है, जनरल अपन अगर वर्क करते हैं तो। और इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 साल की वारंटी मिलती है आप लोगों को, और बाकी सारी चीज़ें मुझे
इसमें नॉर्मल चल रही है, अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आप चाहे तो इस प्रिंटर को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंस्टॉलाइजेशन है वो कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है पहले से, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर उसको मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चाहते हैं इस प्रिंटर को ख़रीदना चाहते हैं तो मेरा तो यही है कि आप HP की लेज़र जेट प्रिंटर में आप ये खरीद सकते हैं, या फिर वो इससे ऊपर का एक मॉडल है जिसके अंदर वाईफाई नहीं आता है, पर वो भी एक अच्छा प्रिंटर है। तो ये दोनों प्रीफर करूँगा मैं, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। I can hear the sound.